जी। ये थोड़ा सा ठीक था, एक और बार बोल ही देते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। है ना, गले साफ हो जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं। एनीवे, गुरु जी को बहुत सारे नमस्ते, सारी संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत मुस्कुराहट है आपकी जिंदगी में। बड़े जन्मों का मैं हमेशा कहती हूँ कि हम बहुत थैंक यू है गुरु जी का, कि हमें नहीं पता हमारे पता नहीं कितने हजारों जन्मों के कर्म, यू नो, मारे तो किए ही हमने, ऐसा तो नहीं है कि मारे नहीं किए, पता नहीं कितने मारे किए होंगे, इतने मारे किए होंगे कि आप प्लीज बात ना करें, इतने मारे किए होंगे कि हर जन्म में उसका भुगतान करते करते भी हमारे कर्म नहीं खत्म हो रहे हैं। कोई कह रहे इसका प्रमाण क्या है, पिछला जन्म किसने देखा है, उससे पिछला जन्म किसने देखा है, बट अगर गुरु कहता है और गुरु देख सकता है जो हम नहीं देख सकते तो सच मानना है। अगर हम सोचे कि साइंटिफिकली किसने प्रूव किया कि पिछला जन्म है, रैशनलिस्ट सब कहते हैं कि क्या ये प्रूव किया जा सकता है, आज की डेट में प्रूव किया जाता है और हो भी रहा है, तो साइंस तो फेल है वैसे भी, जो मॉडर्न साइंस है, जो वेस्टर्न साइंस है वो तो फेल है, पर जो हमारी इंडियन साइंस है वो फेल नहीं है, क्योंकि उनको सब पता था इन सब चीजों के बारे में। तो कितने जन्मों का हमारा संचित कह लो, प्रारब्ध कह लो, पता नहीं कौन से कर्म है, तो गुरु जी से यही अरदास होनी चाहिए हमारे कि जो भी पुराना कर्म है, हजार साल पुराना कर्म है, पता नहीं कितने हजारों जन्म लिए होंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा हमारे साथ, बट एक चीज आप कर सकते हो कि जब मत्था टेको, हर बारी कोई भी सत्संग हो, कोई भी कहीं चीज हो, मतलब बड़े मंदिर जाओ, सत्संग में जाओ, तो गुरुजी तो आके बैठते हैं ना, चरण तो है ना उनके, कि सिर्फ एक बड़े मंदिर में ही चरण नहीं होते, कि वो सिर्फ एक ही जगह बैठे होते, बाकी जगह तो गायब, ऐसा नहीं है। जहां सत्संग होता है, जहां वो अपने चरण क्या कहते हैं डालते हैं, या चरण अपना लेके आते हैं, खुद आ जाते हैं, वो वहां पर सिर्फ मत्था टेकते टाइम बोलो, जान मैं जानू ना कि मेरे कर्म क्या है, मैं नहीं जानती कि मेरे पिछले जन्म के कर्म क्या है, जो आपने बुलाया है, जो आपने इतनी मेहर करी है, तो ये सारे जितने भी कर्म है वो आपके चरणों में, मैं नहीं जानती कि कौन मैं, कहाँ से आई हूँ मैं, कौन थी मैं, क्या थी या क्या था, मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया या भुगतान किया या क्या नहीं किया, जाने ना, बट यही जरूर कह देना चाहिए कि गुरुजी ये लो, ये सारी पोटली रखी, जानती नहीं हूँ पोटली में तो आप ही को पता है क्या, बट जो मेरी समझ है या मेरा भार है ये आपके चरणों में, क्योंकि मैं मुझे नहीं पता कि मुझे इसका करना क्या है, कर्म कैसे काटूं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, हजार तरह की तरकीबें बन जाती हैं, ऐसे कर्म काट हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसे कर्म काट हो जाएगा, कोई असल चीज तो बताता ही नहीं है कि कर्म काट कैसे होगा। जब और ये आप सोचो बहुत लकी हो कि गुरुजी ने हमको सबको बुलाया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यू नो आपने, उन्होंने आपको फिजिकली नहीं बुलाया है, वो जब चोले में थे आपको नहीं बुलाया, पर ये सोचो आज आप बैठे हो तो बुलाया है ना, जो उन्होंने कितने प्यार से उन्होंने आप सबको बुला के बैठाते हैं, देखो कितनी बड़ी महिमा है उनकी, यू नो कि ऐसा माहौल नहीं मिलता, हम कितने दिन भटकते भुटकते, आप देखो सुबह से लेके शाम तक क्या स्यापे नहीं हो खत्म होते, कभी परिवार के नहीं खत्म होते, कभी बिजनेस के नहीं खत्म होते, कभी बीमारियों के नहीं खत्म होते, कभी कुछ ना कुछ, सारा दिन हम उसी में लगे रहते हैं, सारा दिन सुबह से लेके रात तक, बट जब हम यहाँ बैठे होते हैं तो हमें लगता है कि यही स्वर्ग है, यही है, यही है हमारा जीवन, बाकी पता नहीं। सो ये जो फीलिंग आपके अंदर आना कि यही स्वर्ग है और यही जो आप कहते हैं ना यही जीवन है हमारा, ये आपको एक छोटा सा गुरुजी एक एग्जांपल देके बताते हैं
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਯੂ ਨੋ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸੇ ਇਹ ਸਵਰਗ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਸਵਰਗ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਹਮੇ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਾ ਕਰਮ ਉਹ ਦੇਖੇ ਹਮੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਮ ਕਹਾਂ ਜਾਏ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਮੇਂ ਜਾਓ ਸਿਆਪਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੀ ਥੀ ਤੋ ਕਈ ਕਰਤੇ ਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਕਿਆ ਲੇਂਗੇ ਹਮ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੇਂ ਵੈਸੇ ਆਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਕਿਆ ਲੇਂਗੇ ਹਮ ਜਬ ਹਮ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਕਾ ਕਰਮ ਦੇਖ ਵੀ ਲੇਂਗੇ ਬਸ ਇਹ ਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ कुछ ऐसा है गुरुजी के पास जो हमारे कर्म काट करता है और कर्म काट कैसे हो सब बोलते हैं अच्छा ये मंदिर में चले जाओ बड़े कर्म सुधर जाएंगे उस एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ वो उपाय बताएगा बड़े अच्छे अच्छे यू नो ये कर ले वो दान कर ले इसको कर ले मैंने हर जगह देखा है यू नो एक खुद एग्जाम्पल करके मैं देखती हूँ मैंने देखा है गुरु जो गुरु के पास हम आ गए ना गुरु से गुरु का से बड़ा काट कोई है ही नहीं गुरु को रख दो सामने काट अपने आप हो जाती है क्यों क्योंकि सच्चा भाव है आपका गुरु के प्रति जिसके पास अच्छा और सच्चा भाव होता है सिर्फ भाव कि जैसी हूँ जैसा हूँ आपके चरणों में जो हूँ जो नहीं भी हूँ वो भी आपके चरणों में क्योंकि उन्होंने एक संवारना है हमको हम तो संवर ही नहीं सकते किसी ने बोल दिया कि अच्छा चलो क्या कहते हैं कुछ बहा दे कुछ ये कर दे कुछ वो कर दे वो भी नहीं होता जब तक हम अच्छे ना बने जब तक हमारे अंदर दयालुता नहीं आएगी जब तक हमारे अंदर किसी का भला होने की एक फीलिंग नहीं आएगी इसका भी भला पहले इसका हो जाए कोई बात नहीं तो जब तक वो दयालुता की फीलिंग वो निष्काम सेवा की भाव नहीं आएगी तब तक कर्म काट हो भी नहीं सकते मंदिर हम कहते हैं ना बड़े लोग कहते हैं कि हम तो बड़े मंदिर में जाके सेवा करते हैं हम सत्संगों में सेवा करते हैं जी कर्म काट के लिए है ना यही है 90% 95% समझ लो कि सब कहते हैं कि ये कर्म काटने की सेवा कर्म काटे सेवा मिल रही है हमारे कर्म कट रहे हैं ये कोई एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है सेवा आपको बख्शी गई मान लो आपको सेवा मिली भाई गुरु जी की कृपा है कई लोग सिफारिशों से भी लगाई होती है भाई बहुत बट डजंट मैटर चलो मान लो सिफारिश से भी आपकी सेवा लग गई इससे कहा उससे कहा मैनेजमेंट से कहा जो भी है मिल गई सेवा ठीक है उस सेवा को लेके इतना उछलते हैं कि देखो जी पहचान हमारी पहुंच कहाँ तक ठीक है अभी तो आप बड़े मंदिर पहुंचे हो गुरु तक तो पहुंचे ही नहीं आप सिर्फ दीवारों तक पहुंचे हो अंदर जो बैठा जो गुरु बैठा है जिसके साथ आपकी कनेक्शन वाली वहां तक तो पहुंचे ही नहीं सिर्फ दीवारों में ही फंस गए बड़ा मंदिर इतनी पावरफुल जगह क्यों है क्योंकि वो स्ट्रक्चर है नहीं गुरुजी ने अगर मंदिर बनवाया अगर सारे जगहों पे ईंटें हैं सब कुछ है पर उसके अंदर क्या है ऐसा गुरुजी की एनर्जी है गुरुजी खुद साक्षात वहां होते हैं और सत्संग में भी आप देखो है तो ये घर चार दीवारी का सुंदर भी सजाया होगा हर जगह सब कुछ अच्छा होगा पर जिस दिन सत्संग होता है वहां की दीवारें भी बोलती है क्यों बोलती है क्यों वाइब्रेशन फील होती है क्योंकि वो आके बैठते हैं और महसूस करवाते हैं हमको हमारे जैसे लोगों को अक्ल नहीं हम क्यों मारे फिरते हैं सो बड़ी सिंपल तरीका है कर्म काट हो रहे हो या नहीं हो पता नहीं सेवा जिस दिन आपने सोचा कि गुरुजी ने मेहर करके सेवा दी है जैसे भी दी सिफारिश दी वैसे ही लग गई चलो वो भी सब छोड़ देते पर अगर सेवा मिली है तो सेवा करते करते इतना नीवापन और नम्रता आ जानी चाहिए कि आप बस जिसको कहते हैं ना संगत के पैर की धूल बन जाओ और पैर की धूल का मतलब नीवापन है ठीक है ना नेक्स्ट टाइम एक शब्द लगाऊंगी राख लियो भगवान ठीक है उसमें बताऊंगी कि
किसी किस किस स्टेजेस की अगर आपको दर्शन पाने या उनको महसूस करना। और ये कर्म कांड अगर आप सोचोगे पर आप जैसे जैसे सेवा करते जाओगे गुरु अपने आप स्पीडीली मतलब 100 गुना ज्यादा एक चुटकी में आपके कर्म का कार्ड मिल जाएगा, खत्म हो जाते हैं आपके कर्म। पर उतने लेवल तक पहुंचो तो सही, कर्म कटा रहे हैं, चोट लग गई कर्म कट गया। पॉजिटिव बात है, ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव बात है, पॉजिटिव बात है कि भाई चोट लगी आपने उसको एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड दे दिया कि चल कोई कर्म या कष्ट ही कट गया होगा। अब कटे ना कटे पता नहीं, हमने तो बोल दिया कि कष्ट कट गया होगा, कर्म कट गया होगा, पता नहीं हमें उस चीज का। बट उस वही एक सिर्फ चीज कहना तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका बढ़, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड पहले नहीं था, थोड़ा किसी को लग जाए हाय मर गया, थोड़ा किसी को लग भी जाता हाय लव लुआन हो गया, जैसे मेरे पादन लोग कहते हैं थोड़ा सा लग हाय मैं तो मर गया, मेरे लव लुआन हो गया, मैं तो बहु लव हो गया। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि है हाय हाय छोड़ के हम उसको सोचते हैं चल कोई बात नहीं, कर कमर दर्द हो रही है चल कोई बात नहीं, बैठने को तो मिल रहा है सत्संग, ठीक है ना। सो कर्म काट के लिए अगर आप सेवा करोगे तो वो उतनी स्पीडली नहीं जाएगा, फिर कहोगे मैं तो इतनी सेवा करती हूँ या करता हूँ पर मुझे तो मैं तो वहीं का वहीं रह गया, है ना। नहीं, आपका जब तक अंदर नहीं बदलेगा तब तक आपका सेवा भी परवानगी चढ़ेगी। जहाँ निष्काम सेवा है वो परवानगी चढ़ती है, नहीं तो बाकी जाते जाओ मंदिर करते जाओ सेवा, झाड़ू लगाए जाओ, पोचे लगाए जाओ, बैच पहने जाओ, वो करे जाओ, कुछ नहीं मिलना उससे। क्यों? क्योंकि गुरु तो बैठा अंदर सारी रिपोर्ट कार्ड बना ही रहा, वो देख ही रहे, तो इसलिए हमको उन सब चीजों में नहीं पड़ना। कर्म कार्ड तभी होगा जब आप निष्काम भाव से सेवा करोगे, चाहे सत्संग में करो, चाहे आप बड़े मंदिर में करो, चाहे दुनिया में कहीं भी करो, सेवा करनी है तो निष्काम भाव से करो, लेन देन की नहीं, आज मैंने सेवा करी तो इसका फल तो जरूर मुझे मिलेगा। सो ये सब नहीं करना है, काट अपने आप गुरुजी करेंगे आपको क्या करना है इन सब चीजों से। और बड़ी अच्छी चीज, हमें तो पता ही नहीं होता था सेवा के मायने क्या होते हैं और क्या है। बहुत सिंपल और सरल तरीका है, किसी भूखे को खाना खिला दिया, खिला के भूल जाओ कि आपने खिलाया क्योंकि आप खिलाने वाले नहीं है, बट जो भाव गुरुजी ने उस टाइम पे आपको डाला कि ये भूखा है इसको खाना देना है, इसकी भूख जो उसकी तड़प है वो आप तक पहुंच रही है और आपने इसको खाना खिलाया, ये समझो गुरुजी की मेहर है। कैसे मेहर है? खाना खिलाने या अन्न देने की नहीं, भाव आने की मेहर है। जो आपके अंदर ये भाव आया कि ये भूखा इसको देना है, बेचारा कई दिन से भूखा, इसको खाना खिलाना है, इसके तन पे कपड़े नहीं है, जाते फिरते उसको एक कपड़ा नहीं दे दिया, क्या हो गया? सर्दियों में तो खासकर चप्पल नहीं, इसको चप्पल जाके दे दी। बात अंदर के भाव के आने की है, बात वो नहीं है कि चप्पल दे दीजिए, नहीं, भाव आएगा। और कैसे आएगा? जब आप सत्संगों में आते हो, गुरु जी के साथ जुड़ते हो, जब आपका हृदय परिवर्तन होता है, जब आपका अंदर धीरे धीरे चेंज होता है, तब जाके ये भाव आता है और तब जाके आप कुछ करने, सेवा करने लायक बनते हो, है ना। कपड़े तो बड़े अच्छे पहन के आ जाते हैं, बाहर गरीब बैठा होगा उसको धुतका आ रही ये ले, और किस रूप में नारायण आए, किस रूप में गुरु जी आए आपको पता नहीं, हमारी ऐसी पोशाक में नहीं आएंगे। जो आपका भाव देखेंगे, सारा खेल भाव का होता है, सारा खेल आपके अंदर के परिवर्तन का होता है। हम सत्संग में जाते ले सत्संग, रोज सत्संग ऐसे टूले रहते हैं, ठीक है, और ये उधर सत्संग होगा, इधर हो रहा है, कोई निभाने जाता है, कोई कुछ करने जाता है, हर जगह कोई सत्संग करने जाता है, और ये हम सत्संग पे जाते हैं। फायदा क्या हुआ सत्संग का जब आपका परिवर्तन नहीं हुआ? बाहर जाते दूसरी संगत को ये कौड़े बोल बोले, ये मैं, तू कौन? तो वहां पर सत्संग का सारा निचोड़ या जीरो हो जाता। ये नहीं कि गुरु ब्लेस नहीं करता, गुरु तो ब्लेस करने के लिए बैठा ही है, गुरु ने थोड़ी ना बोला कि मैं ब्लेस नहीं करता। वहां तक पहुंचो तो सही, घड़ा खाली करो तो सही, तभी तो उनकी ब्लेसिंग आपके अंदर आएगी। इतना ही घड़े भर के हम चले जाते हैं और मेरे बोले इस घड़े के अंदर कुछ डाल दो, है ना, इतना कूड़ा करकट हमारे अंदर बना है। ये मत सोचो, ये सोचो कि एवरी टाइम इनको लंगर खिला दिया,
लंगर खा लिया जी प्लीज, फिर जा सकते हैं चुपचाप क्वाइटली। सो जितना भी हम सोचते हैं कि हमने ये कर लिया, एक सत्संग अटेंड कर लिया, चलो ब्लेसिंग मिल गई, कुछ नहीं। जब उन्होंने ब्लेस करना होता है ना, तो आपको पकड़ के बुलाते हैं, बैठाते हैं और ब्लेस करते हैं। ये नहीं है कि हम ये सोचें ओ गॉड हम रोज सत्संग में जा रहे हैं तो ब्लेस हो जाते हैं, नहीं। चाहे दो घंटे हो चाहे आधा घंटा बैठे हो, अपने अपने बात मत करो जी प्लीज, अपने समय अनुसार अपने घर के काम खत्म करके आओ और बैठ जाओ। गुरु जी ने नहीं बोला कि पहले ही आ जाओ दो घंटे, ऐसा नहीं, स्ट्रिक्टनेस नहीं है किसी चीज की। आप आ सकते हो तो आके बैठ जाओ, नहीं तो अपने घर के काम खत्म करके आ जाओ और जिस टाइम आओगे, क्योंकि आपका भाव अच्छा है पर आपने घर का भी काम करके आना है या आपने अपने ऑफिस का निपटा के भी आना है, वो निपटा लो। कोई जल्दी नहीं है बैंड से पहले पहुंच जाओ सारे, नहीं मैं नहीं पहुंच सकते। प्रैक्टिकल हमें बनना चाहिए, जो पहुंच सकते हैं वो पहुंचे, जो नहीं पहुंच पाते हैं, जिनको अपने लगता है कि हमने ये करना है वो करना है, हाय मेरे तो सत्संग में तो यू नो मेरे से नहीं हो पाता, मैं आ ही नहीं पाती, नहीं आती तो कोई बात नहीं है, गुरु जी बैठे हैं उनको पता है कि आपकी जब आपके मन में आ गया कि मुझे सत्संग में जाना है, मैं ये सारा निपटा के सबका ख्याल रख के फिर मैं सत्संग में आ रही हूँ, तो गुरु जी उसको बहुत ज़्यादा मानेंगे। हालांकि वो कह रहे दो फुलके नहीं बना के आई, मेरे को तो एक ही खिला गई, हूँ टूरी रही सत्संग से चली गई, यू नो चला गया देखो काम ब्याह छोड़ के, नहीं पूरा काम करो और आ जाओ। जिस टाइम आओगे मत्था टेकोगे उस टाइम से गुरु जी की वैसे ही मेहर शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि भाग दौड़ कर गया, जैसे गुरु जी ने एग्जाम्पल दिया था एक बार, वो बंदी आ जाती थी बड़ा चमक चमक के सारा आ गई बैठ गई 6:30 बजे आती रही, उसको बड़ा अच्छा लगे, उसको अच्छा लग रहा है, मतलब मान लो हम सबको अच्छा लगता है सत्संग में आना, ऐसा तो नहीं है सोचते कि हम जल्दी पहुंचे जल्दी चले जाए, चलो बैठे कोई तो लालच से बैठने की जगह कर लेने जाते हैं, कई लोग होता है चलो शब्द सुनने या जो जो अपनी अपनी आपकी अंदर की बात है। तो वो आया करती थी फटाफट, तो गुरु जी ने कहा तेरा की फायदा है इतने आने, तेरी सास ने तो रोटी नहीं खवा के आने ना उन्हें बना के आने, उन्होंने भूखा छड़ के आने, अगर आप उनको भूखा छोड़ के यहाँ अपना आके मंजीरे बजाओ क्या फायदा उसका, तो अपनी ड्यूटी पूरी कर जाओ। कहते मैं तो बैठा ही होता हूँ ऐसा तो नहीं है, तो गुरु जी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे। सो जो नॉर्मल इंसानी हमारे काम है, हम अपना जो जो सेवा अपने घर के अंदर कर सकते हैं सबका ये नो ख्याल रख के फिर आके बैठ जाए, क्या हो गया फिर हमारी रूहानियत शुरू हो जाएगी। पहले इंसान तो बन जाए, पहले रूहानी बनना शुरू कर देते, इंसानियत तो आई नहीं, तो पहले इंसानियत आएगी फिर रूहानियत आएगी। सो हम जो मर्जी करिए, जो जीवन का सफ़र है कि अगर हम हमारे अंदर एक जिसको कहते हैं ना, हम पैदा तो होते हैं इंसान की तरह, दिखते भी इंसान की तरह है, पर जो हमारे अंदर की क्वालिटीज़ है ना वो जानवर की ज़्यादा बन जाती है। फिर धीरे धीरे हमारी जर्नी शुरू होती है कि हम इंसान बन जाए। गुरु के पास आना मतलब पहले इंसान बनना, गुरु आपको इंसान बना रहा है बेसिकली। जो ह्यूमन वैल्यूज ह्यूमन बीइंग्स की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब हम भूल चुके हैं, और जो भूल चुके हैं तो वही याद दिला के हमें पहले इंसान बना दें। उस इंसान बनाने के बाद फिर जब हमारी रूह साफ जब अंदर से क्लियर हो जाते हैं, फिर हमारी रूह असल में जुड़ती है गुरु जी के साथ, और उसी रूह के जुड़ने का मतलब है रस आना। तो गुरु का दर्शन क्या होगा, गुरु का दर्शन ये नहीं कि सामने आ गए बैठ गए जी, हम जब आके बैठ जाएंगे ना सबकी हवाइयाँ उड़ जाएंगी, डर जाएंगे सारे, हाँ दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो। आई एम टेलिंग यू आके यहाँ बैठ गए ना अचानक से आगे लोग तो तितर बितर डर के मारे भाग जाएंगे, क्योंकि हम रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए, हम दर्शन तो मांगते हैं। तो दर्शन क्या है, असल दर्शन गुरु जी का वो है जो हमको रस देता है। हम क्यों सत्संग में आते हैं, हम दर्शन क्यों मांग रहे हैं, दर्शन किस फॉर्म में है, दर्शन उनको महसूस करने के फॉर्म में, उनको एहसास हमारे अंदर जब हम फील करते हैं वही असली दर्शन होता है। देख तो लिया पर एहसास नहीं महसूस हुआ, कई बार हुआ ऐसे, जैसे एक बार गुरुजी बैठे थे चोले में
मेरे को एग्जाम्पल इसलिए याद आते कि मुझे भी नहीं समझती। जब आप वो समझाना चाहते हैं तो वो एक तरीका होता है समझाने का। जैसे एक बार जब मैं बैठी होती थी, जब शब्द कीर्तन चल रहे थे तो बड़ा रस आता था, मैं अपना धुन में खो गई, शब्द समझ आए ना आए, शब्द ही नहीं आते। दो लाइन इधर समझ आती थी, लास्ट की एक लाइन समझ में आती थी, नहीं आती थी मुझे शब्द की समझ। थोड़ी बहुत इधर उधर दो तीन वर्ड इधर जोड़ लिए, गुरु जी बैठे बस हो गए। जब ये बात हुई तो बड़ा रस आना और मुझे बस खो जाना उसके अंदर। कई बार गुरु जी आके उठ के चले जाते थे, मैं बैठी रहती थी, सारे उठ के बैठ जाना, मुझे कुछ नहीं पता होता। एक दिन ऐसी बैठी थी, गुरु जी सामने बैठे, मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रही थी, जैसे मान लो गुरु जी अगर यहाँ सामने बैठे और मैं हम बैठे तो रस तो आना चाहिए, है ना, आना चाहिए ना। जब गुरु जी भी साक्षात बैठे हैं रस भी आना चाहिए। कैसे रस नहीं आएगा, शब्द चल रहे हैं, गुरु जी बैठे हैं, तो नहीं आया। मुझे उस दिन आया ही नहीं। मैं एक घंटा ना ऐसे, दो घंटे ऐसे देखूँ, फिर वैसे देखूँ, पागलों की तरह। मैंने कहा आज तो मुझे कोई रस ही नहीं आ रहा, कोई भी रस नहीं आ रहा, मुझे कोई फीलिंग ही नहीं आई। तो मैंने गुरु जी को बस अंदर बोला, बाहर नहीं, कि मैंने कहा गुरु जी आज मुझे लगता है कि मेरी लाइफ है ना बेकार है, धरती फटे, मैं अंदर समा लो, क्या करना है ऐसे जीवन का जब रस ही नहीं है इस जीवन के अंदर। ये अंदर की बात है। ये सब हो गया, मैं लंगर खा के बाहर हाथ धो के मैं ऐसे ही अपने मन में बोली हूँ, मैंने कहा आज तो आज का दिन ही बेकार हो गया, आज तो आना ही गुरु जी के पास सही नहीं हुआ, आज तो मुझे लग रहा है मैं बस नहीं, मुझे अब जीना ही नहीं है क्योंकि रस ही नहीं आया। एक्सट्रीम, एक जब आपको रस नहीं आता ना तो आपको एक्सट्रीम पोजिशन पर पहुँच जाते हो कि आपको लगता है कि अब इसके बाद जीवन अच्छा नहीं है। एनीवे मैं अंदर आई, जब मैं लाइन में लगी हुई थी, अंदर ही गुड़ 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 करे जा रही हूँ, रस नहीं आया, रस नहीं आया, रस नहीं आया। मतलब देखो, एक वेस्टर्न थॉट वाली बंदी को रस का मीनिंग कैसे, यू नो, मुझे नहीं पता रस क्या होता है, बट उस टाइम पे गुरु जी ने पता नहीं कैसे मेरे को चेंज कर दिया कि मुझे वो रस की फीलिंग आनी शुरू हुई तब से। तो मैं अंदर आई, तो अंदर आते ही दूर से, यू नो, जैसे मैं गुरु जी के हाथ चूम लेती थी, फिर उनको मत्था टेकती थी, तो उस दिन गुरु जी ने ना पहले ही अपना हाथ बढ़ा दिया, हाथ सब ऐसे, मुझे तो मैं पहुंची भी नहीं तब तक ऐसे सीधा हाथ बढ़ा दिया। मैं सीधा हाथ बढ़ा के उन्होंने मेरे को तीन बार मेरे हैंड्स को स्क्वीज किया, मतलब इतनी जोर जोर, पुली पुली हाथ, इतना दम उनके अंदर, मतलब हाथ मेरे को तो पता ही नहीं कि हड्डी टूट गई या क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। पर जैसे वो स्क्वीज करते गए, वो रस इतना आया, मैं तो बस, वो इतना रस उन्होंने उस टाइम पे दिया कि मैं जब वापस आगे लेके जा रही थी, मैं ऐसे ना एक्चुअली नाचते हुए जा रही थी, मुझे नहीं पता कोई मुझे बुला रहा है नहीं बुला रहा, आई डोंट केयर। तो उनको जिस बात का पता था कि रस क्या है, वो जो रस मिला ना, तो उस रस के पीछे जो ये हम भाग रहे हैं ना, ये जो आप सेवा करते हो, रस जो आप आते हो सत्संग में, रस जो आप एक दूसरे को मिलते हो या बैठते हम आपस में, ये भी रस है। ये किसका रस है? गुरु ने दिया ये रस, और रस रूहानियत है। तो पहले इंसान बनो, फिर ही रूहानियत जागेगी, नहीं तो कोई नहीं। पहले ऐसी घंटियाँ ला के बैठ जाइए ना, उठे मां सेवा कर रहे हैं, ऐसी उठे कर रहे हैं, बड़े मंदिर में मेन हॉल की सेवा मिल गई, इधर की मिल गई, दो चार लोगों की लल्लो चप्पो कर ली, परमात्मा की कर लो, गुरु की कर लो। मिलना तो गुरु से ही है, करना तो गुरु ने ही है। तो इसीलिए कभी भी ये ना सोचो कि आपका कोई कहीं काम आएगा। जैसे कई बार गुरु जी कह देते थे, इधर आते हैं कई संगत में लोग आते हैं, यहाँ नहीं तब भी अपनी नेटवर्किंग करने आते हैं, अच्छा ये IAS ऑफिसर, इससे काम निकलवा सकता हूँ, अच्छा ये उधर का है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता हूँ, इससे काम निकलवाऊँ। या कोई बिजनेसमैन आ गया, चलो इसके साथ बिजनेस किया, या कोई किसी का मतलब, कोई भी निजी मतलब था, कमर्शियल लोग, बहुत लोग तब भी आते थे कमर्शियल देखने के लिए, चल वहां पर ना बड़े बड़े लोग आते, कॉन्टैक्ट बड़े अच्छे बनते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग आज भी ये करते हैं, जाते हैं बड़े मंदिर जाएंगे सत्संग में, अच्छा बड़ा घर है, कॉन्टैक्ट बना के रखना चाहिए, यू नो, कभी ना कभी काम आएगा, कोई ना कोई बिजनेस में मुझे करना है, बट नहीं।
जो इनको सौंप दिया तो अपने आप वो आ जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, जिसके पीछे आप भागोगे ना वो आपसे दूर भाग जाएगा। तो जिसके पीछे भागना है, जिस गुरु ने आपको बुलाया और इतना सुंदर आपको एक माहौल दिया, बड़े जन्मों बाद आप इस माहौल में आए हो, ये मत सोचना हर जन्म में नहीं मिला आपको, इस जन्म में ही मिला। कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, इस जन्म में आपकी पूर्ति हो रही है। अगर ये बात समझ जाओगे तो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉब्लम आए नहीं आए, स्यापा वो तो होनी ही है कोई ना कोई, बुढ़े हमने भी तो होना है, कभी हमारे घुटनों में दर्द हो जानी है, कभी कमर दर्द हो जानी, कुछ ना कुछ तो होगा ही क्योंकि शरीर है। बट सबसे ज्यादा ये चीज़ है कि जो यहाँ मिल रहा है ना, कुछ जो मिल रहा है ना उसके पीछे तो खींचे चले आ रहे। सो यू नो, आप सब कहते हैं सत्संग सुना, ये सुना, वो सुना, मैं कहती हूँ ये छोटी छोटी बातें अगर आप याद कर लोगे ना और इनको याद रखोगे तो जुड़ने, गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बड़े बड़े कसीदे दसे जाते हैं ऐसे, यू नो, ऐसे जुड़ना है, कोई नहीं आपको बता सकता कैसे जुड़ना है, कोई बता ही नहीं सकता इस दुनिया में कैसे जुड़ना है। क्यों? क्योंकि आपका सबका अलग अलग कनेक्शन है। जब गुरुजी कहते हैं वन टू वन कनेक्शन, तो मेरा जुड़ने का तरीका अलग है, आपके जुड़ने का तरीका अलग है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि गुरुजी आपको जो बुलाते हैं कनेक्शन, वो अपने आप बनाएंगे। कोई गा के कनेक्शन बनाएगा, कोई नाच के बनाएगा, चुपचाप बैठ के अंदर अंदर आपका गुरुजी आपसे कनेक्ट होते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसी कोई तरकीब नहीं है किसी के पास कि जो कनेक्ट कर सके, वो कनेक्ट कर दें तो हम कनेक्ट कर दें। सो इसलिए गुरुजी थैंक यू सो मच। बोलने को तो बहुत कुछ होता है, बाकी बाकियों को और किसी ने सत्संग करना तो ज़रूर करें। और धीरे धीरे सोचो, यू नो, सेवा के पीछे मत भागो, सेवा आपके पीछे भागो। लोग कहते हैं कि हमें सेवा के पीछे भागना, नहीं, आप फ्लो में चलो, कोई मनाई नहीं है। लोग पागल हो पड़े हैं सिफारिश लगा लगा के, बट्टे मंदिर सेवा मिली, सारा कर्म कट जाएगा, साड़ी लाइफ सौखी हो जाएगी, वो नहीं रहा है। जितना भागोगे, जितनी सिफारिशों के साथ सेवा में जाओगे, कोई कर्म काट नहीं होएगा, फिर वहीं के वहीं रहोगे, फिर गुरु जी को बोलोगे असी तो कितनी बारी आंदे, तुसी तो साडा कोई काम ही नहीं किया, असी सेवा भी करते हैं, असी यह भी करते हैं, सबका भला भी सोचते हैं, बट एक्चुअली सोच नहीं रहे हो, ठीक है। सेवा जैसे मन में है सेवा है, पर जैसे, और आपने किसी को नहीं बोला, और जैसे वो सेवा आपके हाथ आती है ना, जब आपको मिलती है, तो वो होता है कनेक्शन। ये नहीं कि सिफारिशें जाके तू उसको जानते, तू उधर बोल दे, तू उधर बोल दे, नहीं, जो ये करते हैं उसको उनको मजा ही नहीं आता, उसको सेवा नहीं ले सकता। सो बहुत सारा प्यार सारी संगत को, बहुत सारी मुस्कुराहट, और सिंपल तरीके से गुरु जी से जुड़ो, वन टू वन कनेक्शन बनाओ, और खूब सारा प्यार करो, सब चीज़ें छोड़ दो, बैठ जाओ और कनेक्ट हो जाओ गुरु जी से। कोई आपको सिखा नहीं सकता गुरु जी से कनेक्शन, पुरानी संगत भी नहीं सिखा सकती आपको गुरु जी से कनेक्शन बनाना, क्योंकि हम कनेक्शन बना ही नहीं सकते। आप बैठ सकते हो, धुनी रमा सकते हो, बट परमात्मा जब तक आपका भाव इंसान का अच्छा ना हो, तब तक कनेक्शन बनेगा ही नहीं, जितना मर्जी टूट के लगा लो। ना पुरानी संगत बता सकती है, ना मैं बता सकती हूँ, दुनिया में आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता सकता कनेक्शन, क्योंकि जब मन साफ हो जाए कनेक्शन ऐसे ही गुरु जी अपने आप आपके साथ करेंगे। सो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार आप सब संगत को, हिम्मत बहुत सारी, नो सिफारिशें नहीं चलती हैं, और सिंपल तरीके से रहो, सिंपल तरीके से गुरु जी से बस अरदास करो कि ये पोटली जन्मों की है, आप ही संभालो, हमें तो दिखता ही ना, आगे दिख रहा है ना पीछे दिख रहा है, जो दिख रहा है बस आप दिख रहे हो। सो जय गुरु जी।